हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कुछ यूनिक आपके सामने प्रेजेंट करूं। आज मैं कुछ ऐसी ही जगह आया हूं, सचिन इज विद मी टुडे। इस जगह के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आई विल टेल यू इन द लास्ट। आप वीडियो एंड तक देखना, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। एंड इवन दिस एड, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। फादर्स डे हर एक हर एक चाइल्ड के लिए उसके फादर लाइक सुपर हीरो। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू इट। मैं बताता हूँ सर, हाँ सर, करेक्ट है, अच्छे तरीके। ओके सर, ओके। स्कोर कित एक टाइम था जब तू भागा चला आता था सुन के मेरी आहट, और अब मैं जिस कमरे में भी जाता हूँ तो वहां से बाहर चला जाता है। ओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फादर फ्रस्ट्रेटेड आया है एंड उसने अपने बेटे को देखा एंड द टाइम ही ट्राइड टू कॉल हिम और वो बेटा नहीं है। कुछ इमोशनल कनेक्ट लग रहा है मुझे उसमें। थोड़ा बैक करते हैं। इसके पीछे कुछ शायरी भी है, तो लेट्स प्ले दिस। मुझे बाहर धकेल देती है डर और रिस्पेक्ट की मिलावट, पर आप पहले की तरह रोक कर क्यों नहीं कहते कि आओ साथ में मैच देखें? ओ, ये कॉन्वर्सेशन है, आपने नोटिस किया भैया? एक फादर के फीलिंग्स की और एक बेटे की फीलिंग्स की कि आप क्यों नहीं रुकते मेरे साथ मैच देखने के लिए। और आई मीन ग्रेट, आराम से, आराम से बोल रहा हूं, आराम से। दिखता है आपका गुस्सा छोटी सी भी गलती पे, एक बस आपका प्यार ही नहीं दिखता। पहले तुझे डांटता हूं और फिर खुद को, ऐसा क्यों है कि प्यार दिखाया नहीं जाता और गुस्सा दबाया नहीं जाता? अरे बस यार मां, जब कुछ घंटों के लिए दूर हो रहा था तब क्लास तक छोड़ने आए थे, और अब जब सालों के लिए दूर हो रहा हूं। कैसे इसमें बेसिकली दिखाया जा रहा है जो इमोशंस है फादर के, इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसके पीछे आप प्यार ढूंढ ही नहीं पा रहे, उसको लेके जो आइडिया थोड़ी बना रहे हैं, देखते आगे क्या होता है। क्योंकि फादर का लाइक कोई भी फीलिंग होती है ना, लाइक मेरे पापा भी हैं, तो हमारे फादर इतना एक्सप्रेस नहीं, असर्टिव नहीं हो पाते अपनी फीलिंग्स को लेके, स्पेशली बच्चों के साथ। हाँ। मतलब मॉम के साथ वो बहुत डिस्कस करते हैं, बट बच्चों के साथ नहीं। तो या आई बिलीव, थोड़ा बैक कर लेते हैं। खैर तब भी आता अधूरा साथ, गुल्लक टूटा जो लफ्ज़ मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज़ मिले जज्बात को, खामोशी का पहरा हटा। I love you, Papa. I love you too, बेटा। The heaviest word to say to son. क्या यार? Heaviest word है जो एक father अपने son और son और अपने father को बोल सकते हैं। Very rare, very rare. हम सुनते नहीं हैं। कुछ कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। प्यार तो करते हैं, पर दिखाते नहीं हैं। Health होके celebrate करता है हर बाप बेटे के बीच इस tough love को। This Father's Day. Take that tough step to express it. Happy Father's Day.
नाइस अमेजिंग अमेजिंग कुछ कहते नहीं हैं कुछ बताते नहीं हैं जताते नहीं हैं बट प्यार तो करते हैं मुझे लगता है इस कैंपेन आपको क्या लगता है भैया आप थोड़ा इस कैंपेन का थोड़ा सा और अगर आप डिकोड करेंगे तो डिकोड बस वही दिखाया हुआ है इसमें मेन तो कैसे फादर सन की रिलेशनशिप है मतलब दे बोथ केयर फॉर ईच अदर बट दे कांट से इट ट्रू फैक्ट केयर मैं इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखूंगा मैं अपने पापा की दवाई लेने भी जाता हूँ ना आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये दवाई उसी ब्रांड की है ना मतलब कुछ अलग तो नहीं दे रहा ना तो दैट्स फ्रॉम माई साइड और आई एम श्योर मेरे पापा भी इन चीज़ों का ना एस्थेटिक्स का बहुत ध्यान रखते हैं ये केयर के अराउंड ही पूरी एड फिल्म क्यूरेटेड है सो आई बिलीव यू नो आई वुड रेट दिस एड यू नो 9 out of 10 कुछ मिसिंग लगा क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेच की गई है बट द कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग अमेजिंग दिल्ली मौसम जैसा भी हो प्यार दिल्ली वालों का ना बरकरार रहता है आज मैं एक ऐसी ही जगह आया हूँ जहाँ लग तो रहा है कि वैलेंटाइंस डे है बट ऐसा कुछ है नहीं सो आज मेरे साथ हैं सचिन भैया भैया प्लीज कुछ अपने बारे में खुद ही बताओ और इस जगह के बारे में पहले तो भैया ना बोले यार इतना भी बड़ा नहीं ओके सचिन मेरा नाम सचिन है और ये मेरा एक छोटा सा कैफे है रबाबी एक तरह से मेरी दुनिया ही है इसमें और तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे प्राइवेट डाइनिंग का जो मैं कपल्स के लिए अरेंज करता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को आया मेरे दोस्तों से वगैरह में क्या होता था कि वो सोचते थे अपनी पार्टनर को कैसे सरप्राइज करे प्रपोज करे तो उसके लिए कुछ ऐसा जो अफोर्डेबल भी हो और एक प्राइवेटली उनको अच्छा सा सेटअप मिल जाए तो वो सोच के मैंने ये सेटअप स्टार्ट किया था ओह वाह वाह सो आई मीन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है आई डोंट नीड टू से दिस इज द ओनली प्लेस भैया लोकेशन बताइए प्लीज लोकेशन सर ये जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है okay, और okay. मतलब 5 मिनट की वॉकिंग होगी SS मोता सिंह मार्ग रोड है चंदन नगर okay. कोई और लैंडमार्क चंदन नगर कह सकते हैं और बस यही है मेन okay. वैसे वर्धमान मार्केट मैंने देखी थी बट वर्धमान मार्केट के आसपास भी आपका वर्धमान मार्केट में भी एक ब्रांचेस है हाँ जी वर्धमान मार्केट में मेरा दूसरा आउटलेट है वहाँ पे ओपन सिटिंग है बेसिकली मेन ऑनलाइन अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वहीं पे हमारा किचन चलती है थोड़ा सा ओपन सिटिंग है चिल करने के लिए गेम्स खेलने के लिए ग्रेट सो आई मेंशन ऑल डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन आप प्लीज एक बार ही चेकआउट जरूर कीजिए इनको ऑल सोशल मीडिया चैनल्स के अंदर एक बार भैया चैनल्स का नाम बता दो लाइक अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम बताइए यू कैन फाइंड अवर पेज एट इंस्टाग्राम रबाबी फूड और फेसबुक ग्रेट फॉलो रबाबी फूड्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस थैंक यू